हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैं द व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज भी हम लोग आए हुए हैं सफारी पार्क में और यहाँ का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा है ना, इतना मज़ा और इतना इन्जॉय करते हैं हम लोग यहाँ पर आकर। तो आज भी हम लोगों ने निकाला एक दिन और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं हम यहाँ पर। फ्लाई सफारी, सफारी जू एरिया और पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो चलें आज हम करते हैं। तो भाई अभी हम आ चुके हैं फ्लाई सफारी वाले एरिया में, जहाँ पे हॉर्स राइडिंग और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ यहाँ पे कितना बड़ा ये बनाया हुआ है। ये देखें, पूरा का पूरा मैदान बनाया हुआ है जहाँ पे हॉर्स राइडिंग हो रही है और यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे से दो वाइट हॉर्स हैं। लेकिन अभी यहाँ पर रश बहुत है तो हम आगे का एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें भाई, यहाँ पर फुल ये जो है, यहाँ पर अभी थोड़ा सा काम भी चल रहा है, ट्रैक्टर वगैरह आए हुए हैं यहाँ पर। ये पूरा का पूरा मैदान है खाली। और ये देखें, यहाँ पे कैफ़े टाइप एक बना हुआ है, बैठने की जगह सिटिंग एरिया बना हुआ है यहाँ पे। और ये पूरा यहाँ पे हम चल रहे हैं, पूरा का पूरा खाली मैदान है। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि गन से शूट करने वाला। तो भाई अभी हम आ चुके हैं इस वाले एरिया में, जूनियर एडवेंचर चैलेंज में। अब यहाँ पे जाके हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। वहाँ फ्लाई सफारी में गए थे तो वहाँ पर सिर्फ शूटिंग थी और हॉर्स राइडिंग थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था तो हमने वो छोड़ा। और यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो आप अंदर चल के देखते हैं कि क्या क्या इन्जॉय कर सकते। तो भाई ये देखें, यहाँ पे प्यारा सा छोटा सा सिटिंग एरिया बना हुआ है जहाँ पे टी वगैरह मिलती है और बहुत ज़्यादा जो है ना, ये देखें यहाँ पे भी सिटिंग एरिया बना हुआ है। तो भाई हम यहाँ पे चाय लेने के लिए आए थे, अब हम वापस जा रहे हैं और हमारे चढ़ा के वहाँ पे अकेले खड़े हुए। तो हम लोग अभी एक्टिविटीज़ देख रहे थे कि कौन सी हमें चाहिए, तो अभी बस चाय ले ली है और एनर्जी वनर्जी आ जाएगी। तो बस फिर हम टिकट्स वगैरह लेने जाएंगे और आपको टिकट के प्राइस भी बताएंगे। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये है वो पूरा एरिया जूनियर एडवेंचर चैलेंज का एक्टिविटी एरिया, जहाँ पर डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ हैं। और यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा रश है तो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सी एक्टिविटी चूज़ करनी चाहिए। सो लेट्स सी। तो भाई अभी बाबा जो हैं अंकल से पूछ रहे हैं कि कौन सा जिप लाइन है, कौन सा स्पाइडर कोर्स और कौन सा जूनियर कोर्स है। तो भाई अभी बाबा जो हैं ये समझ रहे हैं, दैन फिर हम लोग टिकट लेने के लिए जाने वाले हैं। बस आई एम सो एक्साइटेड कि अंदर जाके कितने ज़्यादा एक्टिविटीज़ और कितना ज़्यादा फन होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। भाई आर यू गाइस एक्साइटेड? यस। So we finally we have decided that we are going to enjoy the ride of zip line. So friends, finally our tickets jo hain aa chuki hain aur hum logon ne liye hai zip line aur junior obstacle course ki. तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आई एम सो एक्साइटेड। और घंटे के लिए वेट करना पड़ेगा यहाँ पर बैठ कर। यहाँ पे सिटिंग एरिया बना हुआ है और प्यारा सा बना हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छा सिटिंग एरिया बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं, तो उसके बाद हमारी टर्न आएगी और ये हमारी टिकट। तो भाई ये है बोट एरिया, ये देखें। तो भाई हम यहाँ लेक की साइड पर आ चुके हैं। हमने सोचा जब तक हमारा वहाँ पर टाइम गुजर रहा है तो क्यों ना बाकी की चीज़ें एक्सप्लोर कर ली जाएँ। तो यहाँ लेक की साइड पे हम आ चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये। यहाँ पे बोटिंग हो रही है और बाकी की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और इस लेक की जो डेप्थ है वो 80 फीट है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस लेक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है। यहाँ पर डक्स, स्वैंस और बोटिंग बहुत सब कुछ है। ये देखें भाई, ये रही स्वैंस प्यारी प्यारी सी। तो भाई यहाँ पे भी जिप लाइन दी हुई है और यहाँ पर जो है पूरी लेक के ऊपर से जाती है जिप लाइन और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटेड है ये। इसके टिकट प्राइस बोट के भी 500 या 600 अराउंड ही है। तो भाई यहाँ पे कार्ड बनता है और वहाँ पे जिप लाइन, उस कार्ड में जिप लाइन वगैरह और बाकी की एक्टिविटीज़ जो है इंक्लूड होती हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं होती हैं, एक कार्ड बनवाना पड़ता है, उसमें होती है सारी एक्टिविटीज़। तो अगर आप यहाँ पर कभी आएँ तो आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा लेक के ऊपर से जिप लाइन वगैरह की एक्टिविटीज़ के लिए। वहीं से निकलते साथ ही यहाँ पे हमें मिल जाता है डायनो सफारी पार्क। ये है इसकी एंट्रेंस और अभी हम अंदर जाते हैं और टिकट प्राइस वगैरह आपको पैकेज बताते हैं। तो भाई अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये देखें, जिंदा तो नहीं है ये। यहाँ पे डायनो राइड हो रही है, ये देखें भाई आओ। अरे हमारे साइड ही आ रहे हैं, तुम्हें खाने के लिए आ रहे हो, आगे वो खाने के लिए आ रहे हैं, आगे आगे बाकी साइड पे आ रहे हैं। कर लो प्यार, कर लो प्यार, कर लो। अरे
तो भाई ये देखिए यहाँ पे टू डायनासोर्स हैं और जिनकी राइड हो रही है, बहुत ज़्यादा फनी और इंटरटेनमेंट है ये भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये बहुत प्यारा, मतलब मैं बता नहीं सकती कितना प्यारा ये डायनासोर पार्क बना हुआ है। हाँ जाओ जाओ, यहाँ पे डायनासोर का एक एग बना हुआ है, ये देखें भाई प्यारा सा क्यूट सा एग है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें डायनासोर ये जिंदा है। यहाँ पर सिटिंग एरिया भी बना हुआ है और यहाँ पे डायनासोर भी बने हुए हैं बहुत ज़्यादा, और डायनो राइड भी है यहाँ पे, 100 रुपीज़ का डायनो राइड है और डायनो पार्क में एंट्री टिकट भी है। तो भाई अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं आइसक्रीम लेने के लिए, और ये देखें भाई तो भाई इन दोनों की आइसम आ चुकी है, मेरी रह गई है। और आइसम खाने के बाद हम लोग वापस जाएंगे अपने वहीं ज़िपलाइन राइड में, एडवेंचर जूनियर एडवेंचर चैलेंज में, जहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे 1 घंटे का टाइम था वेटिंग का, तो हमने कहा वहाँ पे वेट करने से बेहतर है कि हम लोग यहीं पे आ जाएँ। तो अब हम लोग यहाँ पे आए थे और हमने यहाँ की चीज़ सारी एक्सप्लोर कर ली हैं, तो अब हम वापस जा रहे हैं अपने उसी राइड में। टिकट्स वगैरह हमारे पास हैं, फॉर्म फिल करना होता है यहाँ पे, और फॉर्म फिल करना होता है ताकि सिक्योरिटी वगैरह का कोई इशू ना हो, और देन फिर आप अपनी टिकट्स लो और फिर राइड में चले जाओ वेट करने का। तो भैया फाइनली हम लोग यहाँ पर जो है पहुँच चुके हैं, ये पूरा जो है इसका वेटिंग एरिया बना हुआ है। और जब हम यहाँ पे आए थे उस वक्त तो वहाँ पे बहुत रश था और अब जो है बिल्कुल खाली हो चुका है। और अब जो है यहाँ पे महारोज को जो है सेफ्टी बेल्ट लग रही हैं, और ये पूरा पीछे का एरिया है जहाँ पे एक्टिविटीज़ हम करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जिप लाइन वगैरह वगैरह करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी ये देखें महारोज को सेफ्टी बेल्ट लग रही हैं और हेलमेट वगैरह है, ये देखें भाई यहाँ पे सारी बेल्ट। और पार्क की टाइमिंग 11 AM तक है। तो भाई ये देखे हमारे पेट में पत्थर बांध दिए, बारिश कह रही है हमारे पेट में पत्थर है भाई। ये हमारी सारी सेफ्टी वेफ्टी की ये चीज़ें दी गई हैं, हेलमेट है और यहाँ पे हमें बहुत सारी बेल्ट बांध दी गई हैं। देन में अब हम लोग जाएंगे यहाँ पे, मतलब जंजीरों से बांध दिया यार जंजीर आदि को। हादी आओ, इसे पहनने तो दे, मक्के का था ना।
तो भाई अब इसकी लग रही है भैया बाकी की बेल्ट लग रही हो। यहाँ पे हर चीज़ की सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। फर्स्ट एड का बॉक्स है यहाँ पे, मतलब कि अगर आपको एक्सीडेंटली कोई चोट लग जाए तो यहाँ पे फर्स्ट एड का बॉक्स है, ट्यूब वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भाई हम तीनों जो है फाइनल हो चुका है, हम तीनों को जंजीरें बांध चुकी हैं। भाई बहुत ज़्यादा भारी बेल्ट है, इट्स सो डिफिकल्ट यार, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बहुत इंतज़ार करने के बाद हम फाइनली इसके अंदर जाने वाले हैं जिप लाइन और बाकी सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ये देखिए भाई, ये है स्पाइडर, पता नहीं सारे कुछ नाम था, स्पाइडरमैन टावर आई थिंक। तो ये पूरा इतना बड़ा है, इसके ऊपर चल चल के जाना पड़ता है, ऊपर ऊपर 6 फ्लोर है इसके अंदर। ये देखें भाई, ये सारे बच्चे देखें कैसे चढ़ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर पूरी स्टेयर्स नहीं है, यहाँ पे आप बाउंस कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना हुआ है और ये इसको एक दो वीक में हुए हैं खुले में, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आएँ। बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाली जगह और बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट होती है यहाँ पर। तो भाई ये देखें, फाइनली वी आर छोड़ नहीं, पकड़ के रखो, देखो आगे, देखो प्लान चल रहा है। हां बता के सुनना क्या हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो भाई बोले के वो आकिफ जिप लाइन के ऊपर वहाँ से भी आया और अब यहाँ से वापस जाएगा, वापसी जाने वाली करेगा। सेफ्टी बेल्ट आपकी है ऊपर, मैंने आज सेफ्टी बेल्ट को पकड़ के लाया। आगे फास्ट हो गए ना, सब जाएंगे ना मेरे ना वापस जाएंगे। कौन जाएगा पहले भाई? ये देखें, ये है वॉल क्लाइंबिंग और ये रही जिप लाइन। जिप लाइन के आई थिंक चार्जेस हैं 350, वॉल क्लाइंबिंग के हैं 200 और जो मैंने और मारुष ने लिया है जूनियर ऑब्स्टिकल कोर्स वो है उसके 500 चार्जेस हैं। मेरे 500 अलग, मारुष के 500 अलग। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई आके चलो ये भाई हमारे जूनियर ऑब्स्टिकल में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखें, एक ये नेट है, एक ये नेट ब्रिज है, देन फिर वो वाला ब्रिज आएगा, देन टायर्स वाला, उसके बाद जिप लाइन आती है। आप जिप लाइन शायद बीच में आती है, तो 4-5 चीज़ें हैं इसमें। तो 5 इनको भेजा जो मुझे भी जाना है, जाओ नीरव। हाय, क्रॉस करके पैर रखोगे यहाँ। ओके ऐसे ही बैठ लूँ, लागो उतार लूँ भाई, और अभी दोबारा टिकट लेंगे तो फिर करोगे। हाँ देखो जाओ, गिरना नहीं, लटक जाओगी, बढ़ना जाओ। ये देखे भाई मीरा भाई, ये माशाल्लाह से मीरा चलती भी जा रही है वहाँ। हाँ जबरदस्त, चलो मारो क्रॉस पैर रखने। हाँ उसको बेल्ट को अच्छे से पकड़ो, दोनों हाथों से बेल्ट पकड़ो, बेल्ट मिलेगी। और ये मारोश आ गई हैं,
वायर नहीं पकड़ो अपना, हाँ बैलेंस करो। वेरी गुड, जाओ जाओ जल्दी जल्दी जाओ। हाँ की बस तुम नहीं आओगे। हाँ चलो चलो चलो, हेलमेट ऊपर करो, पीछे ना गिरना बेटा जाके। चलो हम रेस्टोरेंट में काम करते, जैसे काम होते रेस्टोरेंट है। मीरा मीरा आ रही, आ जाओ जल्दी जल्दी आओ। हाँ चलो रुक गई यार तुम्हारे, बहुत दूर है वाला। जाओ 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 मीरा, जाओ मारो आओ। देखो आ जाओ, बेल्ट से तुम्हारी अब चलते हुए भी ऐसा ही लग रहा है कि गिर गई है।
आराम से कोई बात नहीं। चलो पीछे मीठा बच्चा आ रहा है एक, ये देखो आपके पीछे कोई आ गया है, जल्दी जल्दी करो। करो मोबाइल गिराओगी मेरा। मैं चाइना कैसे लेके जाऊंगा, चाइना में तो सेफ्टी पड़ी हुई है। आई डोंट वांट टू गो चाइना। वाह मीरा वाह, ये लो आ रही हो। नीचे देख के पकड़ पकड़ के आओ। हाँ बताओ। इट वॉज टू डिफिकल्ट। ओ हाथ, हाथों की ऐसी कैसे ऐसी हो गई, इतने रेड हो रहे हैं आज, पसीने। ओ माय गॉड। चलो तो भाई फाइनली कंप्लीट हो चुका है हमारा। बहुत ज़्यादा मेरी चीखें निकली भाई, ये देखो पसीने चेक करो आप। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था भाई, लेकिन मैंने कर लिया भाई। मारोज को तो बहुत मज़ा आया। मारोज कितना मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मारोज को, और मुझे भी आया है, लेकिन मैं बहुत डर रही थी, खास तौर पर ब्रिज में और उसमें रोप में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था भाई। तो भाई अभी भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है, तो अभी हम यहाँ पे आए हैं मीरठ कबाब हाउस पे टिक्का पराठा खाने के लिए। तो अभी ये देखें भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ है। ये देखें भाई, सफारी पार्क के बाहर ही, टिकट काउंटर के बाहर ही, ये देखें भाई बहुत ज़्यादा प्यारा ही किया हुआ है। अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे। तो एज यू कैन सी यहाँ पे इंडोर आउटडोर दोनों का सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे कार की बाइक की राइडिंग हो रही है, तो हम यहाँ से खाना खा के जाने वाले हैं। आप लोग हमारा ब्लॉग कैसे लगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके भाग जाएँ।